नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इन खबर। आज हम बात करने वाले हैं कमाल आर खान की, जो पेशे से तो एक एक्टर और फिल्म क्रिटिक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स न जाने क्या क्या नाम से बुलाते हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे हाल ही में उत्पन्न हुई कंट्रोवर्सी की। जी हाँ, देश में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो और उस पर केआरके का रिएक्शन ना आए, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। हाल ही में ताजमहल को लेकर जो विवाद हुआ, उस पर भी कमाल आर खान का रिएक्शन आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर न सिर्फ तेजी से वायरल हो रहा है, बल्कि हर कोई केआरके को एक बार फिर से ट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या। ताजमहल विवाद पर कमाल आर खान ने एक ट्वीट में सोशल मीडिया पर जंग सी छेड़ दी है। केआरके का कहना है कि ताजमहल को जल्द ही ध्वस्त करना चाहिए। केआरके ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर विश्व हिंदू परिषद कहे कि लाल किला भी एक मंदिर था, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। केआरके के इस ट्वीट के बाद बवाल सा मच गया है और बीजेपी ने उन्हें इस ट्वीट की एवज में घेर लिया है। दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा, ताजमहल को गिराकर मंदिर बनाने के लिए विहिप इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया। बहुत खूब, मैं इस पर विहिप का पूरा समर्थन करता हूँ। ये होना ही चाहिए और जल्दी होना चाहिए। केआरके के इस ट्वीट पर लोग उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। हालांकि केआरके यहीं नहीं रुके, बल्कि एक और ट्वीट करते हुए एक्टर ने लिखा, आज अगर आप देश में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाएं और विपक्षी नेताओं को गाली देना शुरू कर दें। भाजपा आपको पुलिस और कोर्ट दोनों से बचाने की गारंटी देगी और आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान करेगी। तो ये तो थी जंग जो सोशल मीडिया पर केआरके ने अपने ट्वीट से छेड़ दी। वैसा ऐसे पहली बार नहीं हुआ है जब केआरके ने इस तरह से किसी कॉन्ट्रोवर्सी में और नमक मिर्ची और मसाला लगाया हो। इससे पहले भी वो कई फिल्मों पर तो अपना रिव्यू देते ही हैं, जिसके साथ वो ट्रोल हो जाते हैं, बल्कि वो बॉलीवुड के बड़े स्टार से भी पंगा लेने से पीछे नहीं हटते हैं। वेल, देखने वाली बात ये होगी, क्या इस पर बीजेपी एक बार फिर से उन्हें घेर कर क्या उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल देगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में बस इतना है, लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।